जर्नी ना यहाँ से स्टार्ट होती है। टांडा कठोर, टांडा कठोर गाइस उस गांव का नाम है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप पीपल, दिस इज अमु व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप लोग, होप यू ऑल आर गुड। तो गाइस एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है और नए व्लॉग में। तो गाइस आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम जा रहे हैं ब्यांद्रा मंदिर। ब्यांद्रा मंदिर में गाइस ट्रैकिंग करके ही जाना पड़ता है वहाँ पे, और बहुत अच्छा है वहाँ का व्यू। तो आज हम वहीं पे जा रहे हैं। आपने गाइस दो व्लॉग में तो देखा ही होगा हम कुमिया तक गए थे, लेकिन कुमिया से आज हम और ऊपर जाएंगे, वहाँ पे है ब्यांद्रा मंदिर। तो गाइस आपको दिखाता हूँ, और मेरे साथ जा रहे हैं मेरे दोस्त, और मेरे दोस्त की फैमिली जा रही है, हम भी उनके साथ जाएंगे। और पहले तो मैं अंकित के घर जाऊँगा, अपने दोस्त के घर, उसका ट्रैक्टर जा रहा है पूरी फैमिली के साथ, तो उनके ट्रैक्टर में हम भी जाएंगे। तो गाइस चलते हैं। अभी आ गए हैं मझोला, और मेरे साथ सुम्मू सर हैं। और गैस ट्रैक्टर में तो हम आए नहीं, ट्रैक्टर पीछे पीछे आ रहा है क्योंकि हमें भी कुछ काम था, सामान वामान लेना था खाने पीने का, इसी वजह से उनको लेट हो गया और हमें भी लेट हो गया, तो हम अलग अलग हो गए। लेकिन ट्रैक्टर आ रहा है, अब हम ट्रैक्टर में जाएंगे कुमिया तक। तो गैस अभी तो वेट कर रहे हैं ट्रैक्टर का, जैसे ही वो आता है फिर हम साथ में जाएंगे सब लोग। तो गाइज हम पहुंच गए हैं छोटी कुमिया, और पिछले व्लॉग में आपने दिखाई होगा, दो व्लॉग में मैंने ये छोटी कुमिया दिखा रखी है, बट आज इसके हम ऊपर जाएंगे ब्यांद्रा मंदिर। और अभी तो हम गाइज ट्रैक्टर से आए थे, ट्रैक्टर चले गया वापस क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं है ट्रैक्टर के लिए। ये देखो हमारे सागर भाई, अंकित ब्रोज। तो गाइज यहाँ से होती है हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट, और उसके आगे एक और बहुत बड़ी नदी है, पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था, वो कुमिया नाम है जिसका, वहाँ पे हम रेस्ट करेंगे। तो गाइस फाइनली हम पहुँच गए थे बड़ी कुमिया, और रास्ते का तो मैं आपको दिखा नहीं पाया था क्योंकि बहुत हालत ख़राब हुई थी हमें चलते चलते। तो हम पहुँच गए बड़ी कुमिया, आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये साथ के बैठ रखे हैं। और गाइस असली ट्रैकिंग ना यहाँ से स्टार्ट होगी, अभी तो हम दूर हैं, जब हम जाएँगे ना तब दिखाऊँगा आपको, बहुत ही चढ़ाई है इसमें तो बिल्कुल। तो गाइस हमने रेस्ट कर लिया था यहाँ पे, और यहाँ पे हम रोटी भी लाए थे, रोटी वोटी खा के यहाँ से अब निकल रहे हैं। और गाइस असली जर्नी ना यहाँ से स्टार्ट होती है, बहुत तगड़ी चढ़ाई है गाइस। तो गाइस आपको मिलते हैं थोड़ी देर में। भाई कितनी खतरनाक चढ़ाई चल रहे भाई, ऐसी कुछ है यहाँ की चढ़ाई भाई। मेरे साथ वाले तो आगे जा चुके हैं, मैं ही अकेला हूँ इस हालत में, तो गाइस ब्लॉगिंग करना मुश्किल ही लग रहा मुझे। तो गाइस हम पहुंच गए एक स्टॉप पे, और यहाँ पे अभी रेस्ट कर रहे थे हम बड़ी कुमिया से। अभी तक हमने कितना किलोमीटर चल दिया होगा, एक किलोमीटर चल दिया होगा, क्यों 1 से 1.5 किलोमीटर। और गाइस बड़ी कुमिया से ब्यांद्रा मंदिर है, एक्यूरेट नहीं पता लेकिन 6-7 तो होगा ही, 6-7 किलोमीटर, क्यों 10-12 होगा। तो गाइस कमेंट सेक्शन में बता देना भैया क्या है एक्यूरेट, कितने किलोमीटर है। और अभी तो गाइस हमने बहुत चढ़ना है यार, ये देख रहे हो सबसे खतरनाक ट्रैकिंग तो मुझे यही लगती है यार, ये ब्यांद्रा वाली ना मुझे लगती है, क्योंकि हम यहीं तक गए हैं भैया ट्रैकिंग करने। अगला ब्लॉग कहाँ है, कहाँ का होगा सरप्राइज है। गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टॉप पे, तब तक के लिए वीडियो देखते रहो यार। तो फ्रेंड्स हम फाइनली पहुंच गए हैं, और यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है ना, और ठंडी हवा आ रही है बिल्कुल नेचुरल एसी। तो गाइस अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, हमने रेस्ट कर लिया, और जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये वाला मंदिर बरगदा का मंदिर कहते हैं। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉप पे, अभी तो बहुत स्टॉप लेने हैं यार, अभी बहुत चढ़ाई करनी है गाइस, ट्रैकिंग आज बिल्कुल हालत ख़राब होने वाली। तो गाइस हमने एक और स्टॉप लिया है यहाँ पर, और खाली गाइस स्टॉप का इसीलिए दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि चढ़ाई करते समय वो तो पॉसिबल है नहीं, और थोड़ी देर में गाइस सनसेट हो जाएगा, बस सनसेट देखना यार यहाँ पर, बहुत प्यारा लगता है गाइस। तो फ्रेंड्स
हम पहुंचे हैं एक स्टॉप में, बस मैं ही पहुंचा हूं, मेरे साथ वाले तो वो जा ही रहे हैं। मेरी सांस गैस जितनी चढ़ रही है ना, बोला तक नहीं जा रहा है बिल्कुल। तो गाइस हम पहुंच गए थे एक पॉइंट पे, और यहाँ से गाइस इतना अच्छा, इतना प्यारा सनसेट हो रहा है ना, दिखाता हूँ आपको। ये देखो गाइस पहुंचने वाले हैं, वो दिख रहा है छोटा सा मंदिर, वहीं पे जाना है। लेकिन गाइस जो ये वाली चढ़ाई है ना, ये और भी खतरनाक है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा गाइस, इतना थक चुका हूँ ना। तो गाइस हम फाइनली पहुँच गए व्यांद्रा मंदिर, और ऑलमोस्ट गाइस आते आते हमें सामने हो गई है। तो फ्रेंड्स हमने अपना सामान रख दिया, जितना भी था हमारे पास सामान, बैग वगैरह सब, और अभी हम जा रहे हैं गाइस परचेज करने कंबल और मैट वगैरह। पंडित से बात करेंगे, फिर आपको दिखाता हूँ क्या सीन है आगे का। तो गाइस किराए में लेने पड़ते हैं कंबल और मैट वगैरह, तो अभी हम वही लेने आए। रात हो गई है और आज तो गाइस मैं दर्शन करा नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब रात में क्या ही दिखेगा, अपना मंदिर दिखेगा। तो मैं कल आपको दिखाऊंगा और दर्शन भी कराऊंगा, हम शायद नीचे भी जाएं, कल खाना खा के सीधे सो जाएंगे, क्योंकि इतनी थकावट हो गई है ना हमें, मुझे मैं ब्लॉगिंग करने के बिल्कुल हालत में नहीं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ये हमारा व्यांद्रा में दूसरा दिन है, और अभी हम जा रहे हैं नहाने गाइस। ये देखो यहाँ से रास्ता नीचे जाने के लिए, फिर ऊपर आना, फिर दर्शन करने जाना है हमें। तो गाइस ये रही जगह, यहाँ पे नहाते हैं हम लोग, फ्रेश वगैरह सब कुछ हो जाता है। अब गाइस हम जा रहे हैं दर्शन करने, और वहाँ का मेन मंदिर है वो दिखाऊंगा, और भगवती मैया भी दिखाऊंगा आपको, और वहाँ से जो व्यू आता है ना, वो अमेजिंग व्यू आता है गाइस। गाइस हम पहुँच गए हैं मेन मंदिर, और आपको दिखाता हूँ गाइस। यहाँ का कहना है कि जिसकी भी मनोकामना पूरी होती है ना, तो यहाँ पे कुछ चढ़ा के जाता है, जैसे कि ये त्रिशूल धनुष वगैरह, ये देखो कितने सारे पड़े हैं। अभी उस साइड का भी दिखाऊंगा, पहले हम जा रहे हैं भगवती मैया के दर्शन करने से। ये रास्ता, ये तो और चढ़ाई है इसमें, क्यों किलोमीटर है, 1 किलोमीटर नहीं होगा। तो गाइस यहाँ से स्टार्टिंग होती है भगवती मैया जो मंदिर है उसके लिए, और गाइस यहाँ से तो ऐसी चढ़ाई है ना, क्या बताऊं। गाइस हम पहुंच गए भगवती मैया के मंदिर, और मेरी बिल्कुल सांस चढ़ गई है, बोला भी नहीं जा रहा। तो गाइस पहले आपको करवाता हूँ मंदिर के दर्शन, और फिर लेंगे थोड़ी देर के बाद हम सिनेमैटिक शॉट। तो गाइस अभी हम मंदिर के पीछे हैं, और गाइस यहाँ से व्यू इतना अच्छा दिखता है ना। वो कौन सा गांव है, टांडा कठोर गाइस उस गांव का नाम है, वो दिख रहा है छोटा सा। इसमें गाइस जिसकी मनोकामना पूरी होती है तो ये बांध के जाते हैं, लाल झंडे वगैरह और चुन्नी वगैरह। अरे ये छोटा सा मंदिर है एक। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सबने दर्शन वगैरह सब कर लिया, और भाई यहाँ का व्यू देखो यार, पूरा खटीमा दिखता है, धुंध आ रही है, वैसे कैमरे में नहीं दिख रहा लेकिन रियल में दिखता है। यहाँ से निकल चुके हैं, और
आगे हम कोई भी स्टॉप नहीं लेंगे क्योंकि हमें लेट हो जाएगा और वहाँ पे भंडारा भी करना है दूसरे मंदिर में। तो गाइस फाइनली हम पहुँचने वाले हैं कुंभिया, और गाइस मेरी हालत देख रहे हो, जितना गाइस चढ़ने में मुश्किल है ना उतना उतरने में भी मुश्किल है, देख रहे हो। पहुँच गए हैं कुंभिया और यहाँ पे तो हम रेस्ट नहीं करेंगे, जहाँ हम नहाएंगे ना वहाँ पे रेस्ट करेंगे आराम से, बस थोड़ी दूर और बचा है। तो गाइस हम फाइनली पहुँच गए एक बहुत अच्छी प्लेस में, और मैं यहाँ पे पहली बार आ रहा हूँ। कुंभिया तो गाइस मैं बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन यह वाली प्लेस में पहली बार आ रहा हूँ, ये देखो। तो गाइस यहाँ पे थोड़ा चिल आउट करेंगे, नहाएंगे धोएंगे और फिर हम जाएंगे खाना खाने। ट्रैक्टर भी आ चुका है जो हमें छोड़ के गया था। हमने तो नहा लिया है, अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, फिर खाना खाने के बाद हम जाएंगे सीधा घर। तो गाइस मैं पहुंच गया हूं अपने घर, और गाइस करते हैं इस व्लॉग की एंडिंग। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, अगर मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ और अपना ख्याल रखना। सो बाय। हौसला दे दे तेरे रंग में।